चलिए बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। चित्रकूट से सदगुरु सेवा संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अरविंद भाई मफतलाल को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी के साथ। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का आज एमपी दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा। दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो पहुंचेंगे। चित्रकूट पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1 बजे चित्रकूट पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1:45 पर रघुबीर मंदिर पहुंचेंगे। सदगुरु संघ सेवा ट्रस्ट की प्रदर्शनी का जायजा भी लेंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा है और इस दौरान वो मुलाकात भी करने वाले हैं। 12:25 पर चित्रकूट के लिए रवाना हो जाएंगे। करीब 1 बजे का समय बताया जा रहा है। 1:40 जब चित्रकूट पहुंच जाएंगे अरविंद भाई मफतलाल को श्रद्धांजलि देंगे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता नीलम गुर्वे जुड़ गई हैं। नीलम, जानकारी दीजिएगा मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं, क्या कुछ खास आज इस दौरे पर? जी बिल्कुल, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के चित्रकूट में उनका दौरा है और करीब 2 से लेकर 2.5 घंटे तक जो है पीएम चित्रकूट में रहेंगे। दिल्ली से रवाना होकर करीब 12:40 पर पीएम जो है खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से विशेष विमान के जरिए ही जो है चित्रकूट के लिए रवाना होंगे और करीब 1:40 पर चित्रकूट पहुंचेंगे। अलग अलग कार्यक्रमों में जो है पीएम शिरकत करेंगे और साथ ही साथ चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चित्रकूट में जो श्री राम महाविद्यालय है, यहाँ की लाइब्रेरी भी में जो है पीएम विजिट करेंगे। इसके साथ ही जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज से भी मुलाकात करेंगे। वहीं अरविंद भाई माफतलाल की जो की समाधि स्थल पर भी पहुंचकर जो है पीएम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। विद्याधाम जानकी कुंड परिसर स्टेडियम में जो है उनकी एक बड़ी चुनावी जनसभा भी होने जा रही है, जिसे चुनावी लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है कि पीएम जो है अब चुनाव में बेहद कम समय बचा है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता को क्या कुछ और वो संबोधित करते हैं, क्या कुछ उनके भाषण के जो है अहम बिंदु रह सकते हैं। इसके साथ ही जो है पीएम यहाँ की लाइब्रेरी भी विजिट करेंगे और साथ ही साथ एक नए सुपर स्पेशलिस्टी अस्पताल की भी सौगात जो है चित्रकूट को मिलने जा रही है, जिसका शुभारंभ आज पीएम करेंगे। तो उनका जो दौरा है 2 से करीब 2.5 घंटे का, उसमें तमाम अलग अलग जो स्थल हैं चित्रकूट के वहां वो पहुंचेंगे, समाधि स्थल पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, तो सुपर स्पेशलिस्टी अस्पताल का शुभारंभ भी करेंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे और साथ ही श्रीराम महाविद्यालय की जो लाइब्रेरी है वहां पर विजिट भी करेंगे। दोपहर करीब 3:55 पर जो है चित्रकूट से खजुराहो के लिए वो रवाना हो जाएंगे, जहां पहुंचकर करीब 4:15 जो है वह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस तरह से उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा और काफी अहम दौरा ये माना जा रहा है उनका। बिल्कुल नीलम, ये भी बताइएगा क्योंकि देखिए चुनावी साल है, चुनावी माहौल है, ज्यादा समय अब रह नहीं गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने देखा मध्य प्रदेश में, खास तौर पर उनके दौरे नजर आए। ये दौरा क्या इसको चुनावी लिहाज से जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए अब जब भी किसी बड़े नेतृत्व का दौरा या बड़े चेहरे का दौरा मध्य प्रदेश में हो तो वो चुनावी लिहाज से अहम ही माना जाता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी कैंपेन भी यही चला रही है कि पीएम के मोदी के मन में एमपी के मन में मोदी, तो इस कैंपेन को भुनाने के लिए कोशिश यही है बीजेपी की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा जो दौरे हैं वो पीएम मोदी के मध्य प्रदेश में हो। और हम देख रहे हैं कि लगातार इस साल की शुरुआत से पीएम जो है हर दूसरे महीने अलग मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में आए हुए हो, फिर चाहे हम बात करें आदिवासी क्षेत्रों में शहडोल, डिंडोरी या फिर आज जब वो चित्रकूट आ रहे हैं, या इसके अलावा भी वो जो दूसरे क्षेत्रों में पहुंचे हैं भोपाल भी वो आए हैं, तो ऐसे में चुनावी लिहाज से ये दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीलम तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है बेहद